नोटबंदी को लेकर बेशक प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं, लेकिन सारी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर में ऑनलाइन सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी नंबर एक पर चल रहे हैं। मोदी को 18% वोट मिले, जबकि ओबामा और ट्रंप को सिर्फ 7% वोट मिले। फाइनल विनर का फैसला मैगजीन के एडिटर करेंगे। पीएम मोदी साल 2014 में भी टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर रह चुके हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय ब्राक्टा हमारे साथ हैं। संजय, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, जाहिर तौर पे वो जब से पोल शुरू हुआ था लगातार वो जीत रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप हो, प्रेसिडेंट पुतिन हो या फिर जूलियन असांजे, मार्क जुकरबर्ग, ये सब तमाम जो हस्तियां हैं जो ग्लोबली इनके बहुत फॉलोइंग है, जिन्होंने जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं उनका इनको ईजाद किया है, उन सबको पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी लगातार आगल बढ़त हासिल किए हुए थे। और कल रात को जब ये पोल बंद हुआ तो उस वक्त तक 18% वोट, जिस तरह से कि आपने कहा, उसके साथ सबसे आगे, यानी कि वो जीत गए हैं रीडर्स पोल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पोल, जो कि 7 तारीख को इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। जिस तरह से हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम मैगजीन में लगातार डोनाल्ड ट्रंप हो या बराक ओबामा हो, वो भी काफ़ी हद तक आगे माने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से रीडर्स पोल पिछले हफ्ते से तेज़ी जिस उसने पकड़ी, तो उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। निशांत, शुक्रिया। यानी क्या भी प्रधानमंत्री मोदी का टाइम